Hello friends, welcome back to my channel, myself Lisha. So today I'm going to share with you monsoon perfect snack recipe which is crispy corn guys. Yes, बहुत ज़्यादा delicious, tasty, yummy recipe आज हम बनाने वाले हैं. तो without any further ado, let's get into the video. उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें इस तरीके की टेस्टी यम्मी रेसिपीज के लिए. सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम कॉर्न्स को थोड़ा सा पानी में नमक ऐड करके बॉईल कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद अब हम नेक्स्टली इसमें ऐड कर लेंगे फर्स्ट थिंग जो कि है मैदा. तो यहाँ पर एक चम्मच जितना मैंने मैदा ऐड किया है इसे, क्योंकि ये मॉइस्ट है तो अच्छे से ये बाइंड हो जाएंगे. तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब नेक्स्टली हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर. तो कॉर्नफ्लावर आप देख सकते हैं यहाँ पर नियर अबाउट 3 to 4 टेबलस्पून जितना मैंने ऐड किया है, या तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं बाइंड, जितना आपको चाहिए बाइंडिंग में उतना. एंड ये नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं राइस फ्लावर, चावल का आटा, वो भी सेम क्वांटिटी में. तो दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. तो ये हमारे फ्लावर्स डल चुके हैं, तो अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं इसमें. तो ये रेड चिली फ्लेक्स हम ऐड करने वाले हैं. एंड नेक्स्टली अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट. हम ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. लास्टली इसमें ऐड कर लेंगे हम सॉल्ट टू टेस्ट. तो पहले मैंने जो डाला था वो ब्लैक सॉल्ट था, तो ये नॉर्मल सॉल्ट भी हम इसमें डाल देंगे. एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को. एंड ये हमारे कॉर्न्स रेडी हो चुके हैं. तो चलिए इसे अब स्ट्रेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर गाइज. ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो एक्सेस जितना भी है फ्लावर्स वगैरह है, तो इसे हम इस तरीके से स्ट्रेन करके निकाल लेंगे ताकि वो ऑयल में स्प्रेड आउट ना हो. तो इस तरीके से आप ये स्टेप ज़रूर करें, जितना भी एक्सेस है वो सब स्ट्रेन आउट करते जाएँ. एंड इसे फिर एक प्लेट में कलेक्ट कर लेंगे. मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है एंड उसमें डाल दिया है तेल. इसे अच्छे से हम गर्म कर लेते हैं. ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हम ये हमारे कॉर्न्स को अच्छे से स्प्रेड करके डालेंगे ताकि एक दूसरे से ये चिपके ना. बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है. तो इस तरीके की यम्मी रेसिपीज देखने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें. तो चलिए इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेते हैं. एंड हियर इट इज़ गाइज, हमारे क्रिस्पी कॉर्न बहुत अच्छे से ये मीडियम टू हॉट ऑयल में ही आपको फ्राई करना है, ये टिप ध्यान रखिएगा. तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं. एंड बहुत ही यम्मी रेसिपी है गाइज. तो मॉनसून में कॉर्न्स तो ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो आप ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई करिएगा. एंड लेट मी नो योर कमेंट्स और सजेशंस बिलो ताकि मुझे भी पता चले इसमें कुछ अगर चेंजेस करने हैं या फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, सिंपल रेसिपी, तो डेफिनेटली मुझे बताइए. तो चलिए हमारे ये क्रिस्पी कॉर्न रेडी है टू सर्व. तो चलिए मैं सर्व कर लेती हूं. इट इज गाइज, मैंने इसे निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में. तो अब इसे हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला टू मेक इट मोर टेस्टी, मोर यम्मी. एंड नेक्स्टली कुछ स्प्रिंकल्स करेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स. अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं. एंड इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे, कुछ ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं आप, या फिर आप इसमें ग्रीन अनियंस भी डाल सकते हैं. तो हियर इट इज, इट्स रेडी. ये रेडी टू सर्व है. इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डोंट एट ऑल फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड हिट द बेल आइकन ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. Stay tuned for next videos. Enjoy this recipe and let me know your comments, and please hit the like button. Thank you for watching. Bye.